Greetings, dear learners. Today I am back with another important and interesting topic, joining words. Joining words. अब आपने सुना होगा कि जब आप कभी रेल से ट्रैवल करें हैं या यू नो जब आप रेल में जाते हैं सो स्टेशंस के नेम्स आते हैं. जैसे एक सपोज कीजिए आसनसोल आएगा तो दूसरा आसनसोल जंक्शन आएगा. नो आसनसोल जंक्शन, फिर एक पठानकोट तो पठानकोट जंक्शन. अब मैं ये दोनों एरियाज को इसलिए कनेक्ट कर रही हूँ क्योंकि कभी बचपन में मेरा ये रूट हुआ करता था आसनसोल टू पठानकोट, इस वजह से. सो आई नो दीज जंक्शंस. लखनऊ जंक्शन हो गया, फिर आपका अंबाला जंक्शन हो गया, अंबाला कैंट हो गया, ऐसे ऐसे एरियाज. अब ये जंक्शन क्या होता है? जंक्शन का मतलब होता है जॉइनिंग. सो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज कंजंक्शन, मीन्स joining, all right? So conjunctions को we also call linking or joining words. And these are very simple. हम बहुत use करते हैं but we do not know actually कि इन्हें क्या बोला जाता है. Conjunctions, इनको हम conjunctions बोलते हैं, जैसे कि and, but, for, or, still, yet, so, neither. We can also pronounce this as neither, either, either, since, although, after, still, because, before, as, soon as, while, when, however, and so on. So all these things that helps in joining two parts of a sentence or words are called conjunctions. जैसे अगर मुझे बोलना है कि ये black है और ये white है, ठीक है? This cap is black and this is white. तो मैं इसको कैसे बोलूंगी? Black and white. So किस word के साथ मैंने इनको जोड़ा? मैंने इनको जोड़ा and word के साथ. So this and word is known as conjunction. Black and white. Hot or cold. आप क्या लेना पसंद करेंगे? What would you like to drink? Hot or cold. So hot or cold. So hot मतलब ठंडा या गर्म. हम पूछते हैं मेहमान यूजली जब घर में आते हैं और सर्दियों का मौसम हो, सो वी यूजली आस्क व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफी. एंड इफ इट इज समर्स देन वी आस्क व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, हॉट और कोल्ड. सो और इज द वर्ड जो ये दोनों शब्द हॉट एज वेल एज कोल्ड को ज्वाइन कर रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट को एंड ज्वाइन कर रहा है. सो दीज आर नोन एज कंजंक्शंस और द ज्वाइनिंग वर्ड्स. फिर कभी कभी जैसे हम बचपन से पढ़ते आते हैं, कोई क्वेश्चन पूछा है और आंसर को हमने कनेक्ट करना है, सो हम आंसर को कनेक्ट करते हैं बिकॉज के साथ. जैसे व्हाई वर यू लेट, आप लेट क्यों थे, व्हाई वर यू लेट. अब देखिए जब यू यूज होता है, बेशक वो एक इंसान के बारे में बात हो रहा है, हम वर्ज नहीं बोलेंगे, हम यू के साथ वर ही लगाते हैं. व्हाई वर यू लेट, आई वॉज लेट बिकॉज आई वेंट टू द डॉक्टर. मैं लेट इसलिए हुई क्योंकि, ये जो क्योंकि होता है, क्योंकि ने दो सेंटेंसेस को जोड़ के एक बनाया. इसी तरह क्योंकि इंग्लिश में होता है बिकॉज, आई वॉज लेट बिकॉज आई वेंट टू द डॉक्टर. सो मैं लेट इसलिए थी क्योंकि मैं डॉक्टर के पास गई थी. सो ये जो ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं बिकॉज एंड और बट सो, दीज आर ऑल नोन एज कंजंक्शंस एंड दैट इज वाई दे आर नोन एज जंक्शन, कंजंक्शन, ज्वाइनिंग वर्ड्स. दे हेल्प इन ज्वाइनिंग टू और मोर वर्ड्स और टू और मोर सेंटेंसेस. अब जैसे अगर हम ये बोले ही इज थिन बट स्ट्रांग, वो बहुत दुबला पतला है लेकिन स्ट्रांग है. सो लेकिन इज यूज फॉर बट. सो दिस बट इज ऑल्सो अ ज्वाइनिंग वर्ड क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है कि वो थिन है लेकिन वो स्ट्रांग है. ही इज थिन बट स्ट्रांग. So now we will discuss about conjunctions in details.